खबर भोपाल से है, जहां संविदा शिक्षक वर्ग एक में चयनित अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बड़ी में चयनित शिक्षकों ने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम ने अभ्यर्थियों को खदेड़ दिया। इस दौरान आंदोलनकारियों ने साफ तौर पर कहा कि सरकार चाहे हमें जेल में डाल दे, लेकिन हम अपना हक लेकर रहेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश मात्र एक ऐसा राज्य है जिसने पूरे 29 की 29 लोकसभा सीट जिताकर बीजेपी को समर्थन दिया है और आज उन्हीं की सरकार में युवा और बहनें बेरोजगार के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम बीजेपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। आपका नाम बताइए। मैं रानू गुप्ता, सीहोर से। सर, मुझे ये बताइए कि मध्य प्रदेश में वैकेंसीज क्यों नहीं है? 80,000 पद निकलते हैं यूपी में, बिहार में, सिर्फ हमारे मध्य प्रदेश में मात्र 8,000 पद, उसमें से भी भर्ती सिर्फ 4,900 कुछ पदों पर है। क्यों क्यों ऐसा क्यों? और हम सबको दो दो एग्जाम्स क्वालिफाइड हैं हम, उसके बाद भी नहीं। पद तो हैं, 80,000 से भी ज्यादा पद हैं, लेकिन निकालना नहीं चाहते, हम लोगों को भर्ती नहीं करना चाहते। पता नहीं क्या रीजन है उसका। हमने इन पे इतना विश्वास जताया, हमने फिर से सरकार बनवाई यहाँ पर, आपकी आपका फर्ज बनता था तुरंत पद वृद्धि करके हम लोगों की ज्वाइनिंग कराई जाए, पर ऐसा ना करके उन्होंने सिर्फ वही 4,000 लोगों की ज्वाइनिंग बार बार वही करवाए जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी कर रहे हैं, ताकि हम लोग कोई एक्शन ना ले सके, हम लोग कुछ कर ना सके, हमारी वेटिंग ही क्लियर नहीं कर रहे हैं। और क्यों, कितना स्तर गिरता जा रहा है मध्य प्रदेश की शिक्षा का, क्योंकि शिक्षक है ही नहीं, क्योंकि पद खाली पड़े हुए हैं। अतिथि शिक्षकों से पढ़ाई करवा रहे हैं, वो अतिथि शिक्षकों को क्या आता है क्या नहीं आता वो हमें नहीं पता। अगर आता होता तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता, बच्चे फेल नहीं होते इस तरीके से जो अब हो रहा है। हम चाहते हैं हमारा, हम लोगों को पदवृद्धि कराई जाए, वर्ग एक में पदवृद्धि कराई जाए और हम सबको 16 विषयों पे हम सबकी भर्ती करवाई जाए। हम तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक वो मांगे नहीं मांगे। हम दिल्ली जाएंगे, यहाँ बैठेंगे, हार नहीं मानेंगे। तीसरी बार है, हम बार बार हमें पुलिस से धमकाया जाता है, हमें डरा दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाती है, निकाल दिया जाता है। हम शिक्षक हैं, हम ओवर एज हो रहे हैं। आपका नाम बताइए। देवेश पालीवाल। मांग को लेकर प्रदर्शन करना, हम काफी लंबे समय से वेटिंग अभ्यर्थी हैं, वर्ग एक एग्जाम क्वालिफाइड किए हैं और आज हम मध्य प्रदेश सरकार की गलत नीतियों का शिकार हुए हैं और आज हम लोग वेटिंग अभ्यर्थी के रूप में देखे जा रहे हैं और बार बार हम लोग भोपाल में सड़कों पर बार बार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की किसी भी प्रकार से कानों में जू नहीं रुक रही है। 2 साल से 1.5 साल से हम लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मोहन है सरकार, आज तक हम वेटिंग अभ्यर्थियों से कभी मिलने नहीं आई है, 2 शब्द बोलने नहीं आई है। दुर्भाग्य, हम ऐसी सरकार चुनते हैं। दूसरी बात है ना, हम काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रहे हैं और पूरे गर्मियों में, पूरी सर्दियों में भी हम लोग आंदोलन करें, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बहनें भी हमारी। अरे मध्य प्रदेश सरकार कम से कम ये तो समझे, लाड़ली बहनों की बात करते हैं, क्या लाड़ली बहना ये नहीं है क्या, ये लाड़ली बहना नहीं है क्या, केवल है, इन्होंने वोट दिया है, हम सब ने वोट दिया है। आज मध्य प्रदेश में हम लोगों ने 29 का 29 सीटें दिला के गुनाह किया क्या? हम ये कह रहे हैं कि आज इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अगर नाम लिखा गया मोदी जी का, अगर मोदी जी का सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा गया क्यों? तीसरी बार अगर मोदी सरकार अगर शपथ ग्रहण करती है तो मध्य प्रदेश के युवाओं के कारण आज शपथ ग्रहण कर रही है, तो कम से कम ये बात हमारी मोदी सरकार तक पहुंचे कि आज हमने 29 सीटें देकर कोई गलत कार्य नहीं करा। और अगर हम यूपी जैसा हाल करते तो क्या हम पूछ रहे हैं क्या सरकार बनती? आज देखिए सीट कम आ गई तो तुरंत वहाँ मुख्यमंत्री जी पद निकालने को तैयार हो गए, रात भर में लो विकास, लो ये इनके पद 50,000, इनका 1,00,000। और हम यहाँ पर हम मुख्यमंत्री जी से आए या शिक्षा मंत्री जी, हमको ठोस लिखित आश्वासन दे और हमारी मांगों को, यहाँ किसी से मुलाकात नहीं हुई है और है ना, और पुलिस हम लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। हम बार बार मोहन सरकार से ये कहेंगे, अगर हम लोगों को आप लोग घेर रहे हैं, बार बार प्रोटेक्ट हम लोगों का खराब कर रहे हैं, तो अब हम दिल्ली कूच करेंगे। या तो आप हमें बैठने की परमिशन दें, हम बैठेंगे,
मुख्यमंत्री निवास पर, अगर मुख्यमंत्री निवास में बीच में हमें कहीं गिरफ्तार करा जाता है तो फिर हम अगला कदम हम दिल्ली कूच करेंगे, जिसकी जवाबदारी खुद मध्य प्रदेश मोहन सरकार की ही होगी।